Assalamualaikum, Class 3, Progressive English. Bismillahirrahmanirrahim, open page number 20. Write down class work in date. Unit 4, lesson 3, read and answer. What did the thief see? Watch out, there's a thief about Thursday, 12 September. The people of Ashton were worried because they think there is a thief in their town. ऐसन के जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वहाँ पर एक चोर है, उनके कस्बे में एक चोर है. मिस्टर बेकर हु लिव्स एट नंबर 11 ब्रॉड स्ट्रीट सेड. मिस्टर बेकर जो हैं वो नंबर 11 ब्रॉड स्ट्रीट में रहते हैं. कहते हैं ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की शाम में, व्हेन आई कैम बैक फ्रॉम वर्क, मैं जब घर काम से घर वापस आया, आई पुट माय वॉच ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द बेडरूम विंडो. मैंने अपनी वॉच जो है वो उतार कर अपने बेडरूम में टेबल के ऊपर रखी जो खिड़की के करीब था. व्हाइल आई वॉज इन द शॉवर, जब मैं शॉवर ले रहा था, शॉवर में था, द वॉच डिसअपीयर्ड, वॉच जो थी वो गायब हो गई. आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं नहीं मिली. मुझे ढूंढा लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिली. Mrs. Starlet, who lives at number 20, explained. Mrs. Starlet, जो number 20 में रहती हैं, explain करती हैं, कहती हैं, On Tuesday evening, एक Tuesday की शाम पर, I put my diamond necklace at the table in my bedroom. मैंने अपने bedroom की table पर अपना necklace रखा. Then I went to sleep. मैं सोने चली गई. The next morning, अगली सुबह, it wasn't there anymore. ये कहीं भी नहीं था, मैंने तलाश किया, मुझे कहीं नहीं मिला. मिस पार्कर हु लिव्स एट नंबर 12 टोल्ड अस. मिस पार्कर जो नंबर 12 में रहती हैं मुझे बताती हैं, ऑन वेनसडे इवनिंग आफ्टर वर्क, वेनसडे की इवनिंग पर जब काम के बाद, आई लेफ्ट माई कार कीज ऑन द किचन टेबल, मैंने अपनी कार की चाबी जो थी ना वो किचन की टेबल पर रखी. आई वॉच टीवी एंड आर लेटर, मैंने एक घंटे के लिए अपना टीवी देखने बैठी, एक घंटा मैंने टीवी देखा. द कीज वर गोन, कीज चली गई. द फनी थिंग इज मजे की बात ये है कि द थीफ टुक द कीज, थीफ जो था वो चाबी तो ले गया, बट डिडंट टेक माय कार, लेकिन वो मेरी कार नहीं लेके गया. आई कांट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको नहीं समझ सकी. रेस फार्मर हु इज 11 इयर्स ओल्ड लिव एट नंबर 19 विद हर पेरेंट्स सेड. रेस फार्मर जो 11 इयर्स ओल्ड है अपने पेरेंट्स के साथ नंबर 19 में रहती है. On Thursday को I came home from school, मैं स्कूल से वापस आई. I took off my hairband and put it on the desk in my bedroom. मैंने अपने बेडरूम के डेस्क पर अपना हेयरबैंड रखा. Then I went swimming, फिर मैं स्विमिंग के लिए चली गई. Then I came home, जब मैं घर आई, my hairband was gone, मेरा हेयरबैंड कहीं चला गया, नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत ढूंढा. Everybody in Broad Street is asking, हर आदमी ब्रॉड स्ट्रीट में आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द थीफ, हर आदमी क्वेश्चन कर रहा है, चोर के बारे में पूछ रहा है. इज इट वन पर्सन और इज इट अ टीम, क्या ये एक आदमी है या इनकी टीम है. डज द थीफ स्टील थिंग्स एट नाइट, क्या चोर रात को चीज़ें चोरी करता है. कैन द थीफ क्लाइम इन थ्रू बेडरूम, क्या थीफ जो है वो बेडरूम से आता है, बेडरूम की विंडोज से आता है. इज द थीफ टॉल और शॉर्ट, क्या चोर जो है वो लंबा है छोटा है. इफ़ एनी बॉडी सीज एनी थिंग सस्पिशियस, किसी ने कोई ऐसी चीज़ देखी है या कोई जानता है, कोई बंदा एनी बॉडी को जानता है किसी ऐसी सस्पिशियस ऐसी चीज़ के बारे में, अगर किसी को कुछ पता है. दे शुड कॉल द एस्टन पुलिस इमीडिएटली ऑन 7643 09, इस नंबर से उन्होंने कॉल किया एस्टन पुलिस को. कौन से कॉल करना चाहिए. Number 2, find in circle phrases from the newspaper article to describe these pictures. A, B, C, D, ये पिक्चर दी हुई है, हमने इन चीज़ों को यहाँ से वो थिंग्स को देखना है और फिर उनकी स्टोरी में जो थे नेम उनको उनके नीचे लिखना है.
जैसे ये हेयर बैंड जो था ये ग्रेस फार्मर का था, इसके नेम लिखेंगे और नंबर, ये नंबर 19 में रहती हैं, मिस ये चीज़ है मिस पार्कर नंबर 12 में रहती हैं, चीज़ है मिस पार्कर ये नंबर 12, ये मिस्टर बेकर नंबर 11 वॉच पड़ी है ये टेबल पे, मिसेस स्टारलेट नंबर 20। इस तरह आपने इन पिक्चर्स के नीचे नेम लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।